बलौदाबाजार जिले में एक दर्जन से अधिक मजदूर कर्नाटक के बंधक बनाए गए थे। मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वे सरकार से मदद की गुहार लगाते नजर आए। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि जैसे ही मजदूरों का वीडियो जिला प्रशासन के संज्ञान में आया, उनके रेस्क्यू के लिए तुरंत स्थानीय जिला प्रशासन से संपर्क किया गया। साथ ही बलौदाबाजार से श्रम विभाग के अधिकारी, नायब तहसीलदार समेत पुलिस बल की टीम भेजी गई है। फिलहाल मजदूर कर्नाटक से निकल चुके हैं। मजदूर जल्द ही अपने घर बलौदाबाजार पहुंचेंगे। जी, कुछ मजदूरों के सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हुआ था, उसके बारे में पता लगा और प्रशासन ने संज्ञान लेकर उसकी जांच पड़ताल की, तो पता लगा कि कुछ मजदूर हमारे जिले के जो है श्रमिक वो कर्नाटका में कार्य के लिए गए थे, जहाँ पे उनको वापस आने भी नहीं दिया जा रहा था। तो संबंधित श्रमिकों से भी चर्चा की गई, उनके जो ठेकेदार हैं उनसे भी चर्चा की गई और वहाँ पे जिला प्रशासन को भी सूचना दी गई और तत्काल वहाँ पे संबंधित जिले के पुलिस प्रशासन के जो बल वहाँ पे गए और अब वो लोग जो श्रमिक हैं वो वहाँ से निकल चुके हैं कर्नाटक से, वो अपने जिले की ओर प्रवास कर रहे हैं। और हमारे जिले की जो टीम है जिसमें की श्रम विभाग से जो अधिकारीगण, पुलिस बल और नायब तहसीलदार, इनकी टीम बनाकर यहाँ से भी टीम रवाना हो चुकी है और उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। इसकी अभी उनसे बातचीत करके जब टीम जाएगी तो उनसे पूरी डिटेल्स निकाली जाएगी, बस लोगों से बात करके, क्योंकि वो फोन पे इतनी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, और जब ये हमारी टीम वहाँ पहुंच जाएगी तो उनसे पूरी जानकारी इकट्ठी हो जाएगी और किस प्रकार उनको ले गया गया, कौन ले गया, तो जो ले भी गए हैं इनको भ्रमित करके उनके लिए भी कार्रवाई करेंगे और उसके लिए जो टीम जाएगी उनसे इकट्ठा करके जानकारी आगामी कार्रवाई